हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर फोर, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। ठीक है, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें जो राइटर है उसने अपने पापा के बारे में बताया है कि जब मेरे पापा बच्चे थे तो वो क्या करते थे, किस तरह के जो उनके सपने हैं वो होते थे। ठीक है, जैसे आप अभी छोटे छोटे हैं, ठीक है, आप कभी सोचते हैं मैंने ये बनना है, मैंने वो बनना है। ठीक है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसी तरह से जो राइटर के पापा थे वो भी अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों को देख के वैसा वैसा बनना चाहते थे। तो देखते हैं, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। ठीक है, शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। ठीक है, तो राइटर के जो पापा थे वो ये सोचते थे कि मुझे चौकीदार बनना है, क्योंकि जब सारे के सारे लोग सो गए होंगे तो जो चौकीदार है वो जागा रहता है, तो उनको वैसे बनना बहुत पसंद था। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। ठीक है, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उनका ये मानना था कि जब सभी सोए होते हैं तो वो खूब हल्ला कर सकते हैं, शोर का मतलब होता है हल्ला करना। ठीक है, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लेकर आइसक्रीम वाला आया। एक दिन क्या हुआ, एक आइसक्रीम वाला आ गया। वाह भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब जो राइटर के पापा थे उनके माइंड में ये आया कि मुझे अब आइसक्रीम वाला बनना है। ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ठीक है, ऐसा पापा ने सोचा कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इससे घूमना फिरना भी चला रहेगा और साथ में जितना हमारा मन करेगा उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। तो मुझे तो यही बनना है, मुझे आइसक्रीम वाला ही बनना है। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। ऐसा पापा ने सोचा कि एक आइसक्रीम मैं बेच दूंगा और जब तक दूसरा ग्राहक आएगा तब तक मैं एक आइसक्रीम खा भी लूंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूंगा। ठीक है, तो क्योंकि वो लेखक के पापा थे वो भी छोटे थे, ठीक है, उस टाइम वो छोटे थे तो वो देखते होंगे, वहाँ बाजार में जाते होंगे, देखते होंगे कि आइसक्रीम वाला है, तो हमने तो जब मैं ऐसा बड़ा होके मैं जब आइसक्रीम वाला बन जाऊंगा तो छोटे बच्चों को मैं वैसे ही दे दिया करूंगा बिना पैसे के। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि वे खूब हंसने लगे, लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। ठीक है, जब राइटर के दादा दादी को, मतलब राइटर के पापा के मम्मी पापा हो गए राइटर के दादा दादी, जब राइटर के दादा दादी को यह बात पता चली तो वो बहुत हंसने लगे, उन्होंने उनका बहुत मजाक बनाया। ठीक है, फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब सा आदमी देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बे से खेल रहा था। राइटर को यह लग रहा था कि जो आदमी है ये डिब्बे से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे इंजन खिलौने नहीं थे बल्कि असली थे। ये जो डिब्बे थे ये रेल के असली डिब्बे थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था, ऐसा लेखक के पापा को लग रहा था। ठीक है, तो पापा जब छोटे थे तो वो एक बार रेलवे स्टेशन पर गए, वहां पे उन्होंने देखा कि एक आदमी है वो रेल के जो इंजन और डिब्बे से खेल रहा है। ठीक है, वो कभी उसके नीचे चला जाता तो कभी इधर उधर उछलता कूदता रहता। ठीक है, मजेदार खेल खेल रहा है, उनको ये लग रहा था कि ये खेल तो बहुत अच्छा है। पापा ने पूछा यह कौन है? ठीक है, उस आदमी को देखते हुए पापा ने किसी से पूछा होगा कि यह कौन है। उन्हें बताया गया कि यह शटिंग वाला है। ठीक है, शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा, उनको पता नहीं था शटिंग किसे कहते हैं। तो किसी ने, जो जिनसे उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो
उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। ठीक है, पापा को ये बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब उनके मन में एक अलग सा सपना उनके मन में बन गया कि अब तो वो शटिंग करने वाले ही बनेंगे, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। अब उनके मन में ये ख्याल आया, इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये काम तो सबसे मजेदार है, तो इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं, इसके जैसा अच्छा काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, ऐसा पापा ने अपने मन में सोचा। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे। फिर जो जिन्होंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा अगर तुम शटिंग मैन बन जाएंगे तो। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, अब तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन हो गया कि हाँ, मैंने तो आइसक्रीम वाला भी बनना था, मुझे तो चौकीदार भी बनना था। ठीक है, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। मतलब वो शटिंग मैन बनने के साथ साथ वो आइसक्रीम बेचने वाला भी अभी बनना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है, अब उनके माइंड में आ गया कि मैं दोनों काम इकट्ठे ही कर लूंगा। सभी को बहुत अचंभा हुआ, उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। ठीक है, वहां मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूंगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। ठीक है, तो पापा ने बोला कि मैं ऐसा करूँगा कि आइसक्रीम भी बेच लिया करूँगा, जब शटिंग भी कर लिया करूँगा दिन में जाकर, और फिर से आकर शाम के टाइम में फिर से आइसक्रीम बेच लिया करूँगा, तो मैं दोनों काम जो है एक साथ कर लूँगा। मैं अपना ठेला जो है वो स्टेशन के साथ में ही खड़ा रखूँगा, जिससे मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। सब लोग फिर हंस पड़े, सारे लोग जो थे उनके घर वाले वो हंसने लगे। पापा गुस्से में आकर बोले, अरे तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा, क्योंकि चौकीदार बनना भी पापा का क्या था, सबसे पहला सपना। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, तो रात को मैं चौकीदारी कर लिया करूंगा। ठीक है, सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूची, मतलब पायलट बनने की उनको सूची। वायुयान का मतलब होता है हवाई जहाज, जो हवा में उड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, अभिनेता मतलब हीरो बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, चरवाहा तो वो बनना ही चाहते थे। ठीक है, तो बहुत से सपने जो थे वो पापा के थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब देखिए, अब पापा के मन में एक अलग सा ख्याल उमड़ आया, अब वो कुत्ता बनना चाहते थे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते रहे, अजनबियों पर भौंकते रहे। ठीक है, तो एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। ठीक है, एक बूढ़ी महिला जो थी, उन्होंने प्यार से उनके सिर के ऊपर हाथ रखा होगा तो वो काटने लग गए, जैसे कि कुत्ते काटते हैं। ठीक है, वैसे ही पापा करने लगे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए थे। ठीक है, मतलब जैसे कुत्ते होते हैं वो अपने कान को पीछे अपने पैरों से खारिश करते हैं, तो वैसा पापा को नहीं आ रहा था। बाकी भौंकना तो उन्होंने सीख लिया था। ठीक है, उन्होंने सोचा कि
अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी ही सीख जाएंगे, ठीक है। अगर वो अपने पालतू जो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था अगर उसके पास में बैठ जाएंगे तो उसको देख देख के वो भी सीख लेंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए, उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? ऐसा फौजी ने पापा से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। ऐसा पापा ने फौजी को कहा। अफसर ने कहा, बात तो सही है, इंसान तो भी बन के रह चुका है, ये तो बात भी सही बोल रहा है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? ऐसा फौजी ने पापा को कहा कि क्या तुम्हें ये पता है कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। इस पे अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो, ठीक है। अफसर ने पापा को बता दिया कि अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो इस पे थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा चिंतन करो, सोच विचार करो कि इंसान किसे कहते हैं, ठीक है। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया, ठीक है। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे, ठीक है। अफसर ने कोई बात भी नहीं समझाई थी, वह अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई। अफसर ने तो उन्हें नहीं समझाया, लेकिन उनकी बात ये समझ में आ गई। वह हर रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। उनको ये लगा कि हम मुझे अपना जो एम है, मुझे जो अपना इरादा है, कुछ मेरा सपना है, उसको मैं अगर रोज़ रोज़ बदलूंगा तो कैसे मैं कुछ बन पाऊँगा? कभी मैं ये बनना चाहता हूँ, कभी मैं वो बनना चाहता हूँ, ठीक है। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की बात को याद किया और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है कि मुझे क्या बनना है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी हम सब कुछ बन सकते हैं। अगर हम अपने एम को लेकर भटकते रहेंगे, कभी हम ये बोलेंगे, किसी दूसरे को देखे हम बोलेंगे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन सबसे पहले, कुछ भी बनने से पहले, हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही सुंदर है लिखा हुआ, अलकेश सांद्र के द्वारा ये लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पे। पापा जब बच्चे थे, सभी के अपने अपने सपने होते हैं, आप भी कुछ बनना चाहते होंगे, उसी तरह से पापा जब छोटे थे तो वो क्या क्या बनना चाहते थे, इसका उन्होंने वर्णन किया है। तो इससे इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।